चाइनीज़ का जो ये नया साल आता है, न्यू ईयर आता है, जो कि फेब में आता है, तो दे डोंट विश ईच अदर लाइक हैप्पी न्यू ईयर, जैसे हम लोग करते हैं ना कि हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी 2023, इस तरह नहीं कहते। मेरी एक चाइनीज़ कोवर्कर ने मुझे बताया कि बोला जो हमारा नया साल आता है तो हम एक दूसरे को विश करते हैं और वो कहते हैं कौसी फताह, सॉरी अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन, कौसी फताह को जिस तरह कहते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि मे यू गेट रिच, मे यू हैव मोर मनी इन अपकमिंग ईयर, यानी वो एक दूसरे को दुआ देते हैं पैसे कमाने की, कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आए, रादर देन ये हैप्पी 2023 और फलाना डिमाका, वो ये नहीं कहते। अच्छा, मैं एक रील देख रहा था, मैं फिर आता हूँ लेसन की तरफ। मैं एक रील देख रहा था अभी, एक बड़ी शॉर्ट रील किसी ने शेयर की हुई थी शाहरुख खान की, और उसमें शाहरुख खान ने भी बड़ी सही बात बोली। उसने ये बोला कि बोला ये जो फ़लसफ़ा है और ये सारी जो गपशप है, बोला ये बातें तब करना जब तुम रिच हो जाओ, जब तुम पैसे कमा लो। यानी उसने भी लोगों को यही मशवरा दिया, स्पेशली मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, इनको, कि भाई किसी तरह अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और पैसे बनाओ। सही है। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो, ये रील देखी तो मुझे ख्याल आया, मैं अभी कराची के अपने जो विज़िट पे था, एंड आई हैड सो मेनी सेशंस कराची में, मैंने बहुत सारे सेशंस किए, और अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं अमूमन जब भी उनसे खिताब करता हूँ तो अलॉन्ग विद द काउंसलिंग एंड विद ACC एंड एवरीथिंग, मैं ज़रूर उनसे ये बात करता हूँ, और उनसे उनको कमाने की तरगीब देना, स्किल्स पे बात करना, और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी अवेल करने की बात पे मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि अमूमन मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, तो मैं उनको हमेशा मशवरा देता हूँ कि भाई यू हैव टू मेक मनी। वो बातें सारी अपनी जगह है, फ़लसफ़ा और रूहानियत और शैतानियत और ये वो सारी जगह। मुझे एक जगह याद है, मैं अभी सेशन दे रहा था, नॉट टू मैंशन द नेम, मैं उस वो कॉलेज स्कूल का नाम नहीं लेता, तो मेरे सामने एक बड़ी ऑडियंस थी, तो मैंने वंस अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी पे, फाइनेंस पे, इन सब चीज़ों पे मैंने बात करना शुरू की, और मेरे अपने लेक्चर में ये चीज़ें चलती रहीं कि भाई उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे, और मैंने उनको स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारी बातें की कि किस तरह वो बच्चे बच्चियाँ पैसे कमाएं। जब मेरा लेक्चर एंड हो गया तो उस स्कूल की जो हेड थी उसने ऊपर चढ़ के जो बात की, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, सही है, उसने फिर वही वाली बातें शुरू की कि जी पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने अंदर झांकना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने अंदर झांको। और अरे भाई ये झांकना, मैंने अभी कहा ना, ये शैतानियत, ये फलाना, ये रूहानियत, ये फ़लसफ़ा, ये शायर मशरक़ का शेर, ये बातें वो तब अच्छी लगती हैं जब आप कुछ कर चुके हो, सीधी बात है, सही है ना। उन बच्चे बच्चियों को सबसे बड़ी तालीम यही है कि भाई आप किसी भी तरह अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, किसी भी तरह कुछ सोच समझ के अपने पैसे बनाओ, हाँ पढ़ाई भी करो, सारी चीज़ें, और लॉफुल कमाओ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अनलॉफुल कमाओ, कोई क्राइम करो, कोई इलीगल कमा लो या कोई अनएथिकल हो जाओ, लेकिन नहीं, आपने सबसे अहम काम जो करना है, और हमें ज़्यादातर मशवरे यही मिल रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये, भाई आप मुझे बोलो, जैसे मैं अमूमन लेक्चर शुरू करने से पहले बात कह देता हूँ अपने काउंसलिंग सेशन में वो, कि मुझे अपना बेंचमार्क ना बनाओ, मैं तो सारी चीज़ें करके बैठा हुआ, तो इसी तरह वो लेडी हो गई, और बहुत सारे लोग हो गए, या वही कहा ना वो शाहरुख खान, वो तो फलसफियाना बातें कर सकता है, लेकिन ये बातें आम आदमी के लिए नहीं है। उसको तो चाहिए कि जहाँ मौका मिला भरपूर तरीके से पैसे कमाए, चाहे वो जॉब से है, बिजनेस से है, कोई और अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूबर बन के, मैंने उनको इतने सारे मशवरे दिए। अब आखिर में वंस अगेन दिस इज़ न्यू ईयर, तो मैं भी आप लोगों को दुआएं दूंगा कि मे यू गेट रिच, मे यू अवेल ऑल द अपॉर्चुनिटीज, ऑल द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कम टू यू, मे यू अवेल ऑल द ऑप्शंस, एंड मे यू बी द वन हु ब्रिंग अ चेंज, अ फेवरेबल चेंज फॉर योर फैमिली। समटाइम एक ही बंदे की एफर्ट ऐसी होती है कि उसकी पूरी जनरेशन, उसकी फैमिली, उसका पूरा खानदान चेंज हो जाता है उससे। मे यू बी द वन, कि आप वो हों जिसकी वजह से पूरे खानदानों में चेंज आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव हैप्पी 2023। थैंक यू।